हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देख आमर आज फिजिक्स एग्जाम थिला, तो फिजिक्स एग्जाम रे तुम कहीदे जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन देखी ता भितर क्वेश्चन आसी कि लंग क्वेश्चन टी एपट सेपट होती ह्यूस्टन ब्रिज आसी सहित तुम आउ कि लंग क्वेश्चन देखा लास्ट को। तो जिनस है जिते भी आसी सब कनसेप्चुआल आसी जो मैंने भल्कि बुझीच भल्कि करो मैंने ठीक से बुझीन ठीक से करन हो ठीक अच्छे जहाँ भी है आगको एग्जाम तुम अच्छी तापाई भलि पढ़ापढ़ी कर कि आज तार मुझे आंसर डिस्कस कर करदे जोटा कि तुम मन में जमी डाउट रही आंसर ठीक है कि भूल है। तो आ गोटे जिनस जो मैंने भी नुआ आ सब्सक्राइब करनी है जहाँ फल कि तुम नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाव। तो फास्ट जिनस है कि तुम देखिए एक मार्क जो आसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी अफ इलेक्ट्रन तेल यहाँ जाना समस्त को -13.6 इलेक्ट्रन भोल्ट। नेक्स्ट तापर देख द नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जान सी सब अट्रैक्ट करे अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट रेंज फोर्स है आईवी हे तुम आंसर। द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा भितर रिलेशन तुम बीटा इक्वल टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा ये रही तुम आई हे आंसर। नेक्स्ट तापरे डी रे जोटा रही डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी है एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू सेकेंड आईटा हम आंसर हम है। नेक्स्ट तापरे देख बायो सावर्ट्स लॉ कहा उपरे जाए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट जो सेकेंड आईटा ही हम तुम आंसर हम है। नेक्स्ट तापरे ई पर तुम एफ रे रही फेनोमेनन ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर मिरेज, मिरेज कह रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स रो तो जान समस्ते वेपर है ना। से परिका दुई नंबर लाइमेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आटम स्पेक्ट्रा लाइज इन विजिबल रीजन है। तो सी कही करेक्ट द सेंटेंस। तो लाइमेन सीरीज को विजिबल रीजन रे किए जाए वाल्मर सीरीज कर करदेव, वाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन लिख पार नचे। तो लाइमेन सीरीज को सेमती रखिक विजिबल रीजन टा को भी चेंज कर पार अल्ट्रा वायोलेट रीजन बोली लिखिपर है। यह दी प्रकार करहब कहीं ये जेहेतु तुम अंडरलाइन करनी कौन सी वार्ड को या दी टाइप लिखिपार लाइमेन सीरीज जगार लिखिपार, बल्मर सीरीज लिखिपार और विजिबल रीजन जगार अल्ट्राभायोलेट रीजन जहाँ लिखले भी ठीक हम है ना। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स पोस्टुलेट रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम भी आर और एल इक्वल टू एन एच बाय टू पाई जोटा भी लिखले भी ठीक हम है ना। नेक्स्ट तापर ह्विच लॉजिक गेट इज नोन आज द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तुम दुटा गेट अच्छे नर गेट को भी कहीपर नर नर गेट और न्याड गेट ये दुटा भितर जोटा भी लिखीच आंसर ठीक हम है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, बिटवीन द स्लिट्स इज इनक्रीज। स्लिट जो तुम जो रोच स्लीट रुम होल रोच मैंने से दुटा को आम जब इनक्रिज कर स्लीट्स कही स्लीट आउ स्क्रीन भितर कहनी दुटा स्लीट भितर तुम जब बढ़े दिया हुए तो डब्ल्यू फॉर्मूला विड्थ ऑफ द डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी तो स्मॉल डीटा बढ़ीगले डब्ल्यू भी बढ़ीजी है ना तेल ये हम इनक्रिज हम। नेक्स्ट तापर द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला, टेस्ला आउ वेबर भितर रिलेसन वन टेस्ला इक्वाल टू वन वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। नेक्स्ट तापरे कैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन बाय वेब थ्योरी, ये वेब थ्योरी नुह वेब थ्योरी रे आमर वेब थ्योरी हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाए नहीं। मुझे जो तुमको ऑप्टिक्स पढ़ाऊ से तो पूरा फास्ट रु इंट्रोडक्शन क्लास रे केते बढ़िया कि एक्सप्लेन करी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाई तुम वेब थ्योरी नुह रे थ्योरी ही ओनली एक्सप्लेन हो पार है। नेक्स्ट तापरे व्हाट इज द एडी नो मार आंसर है ना। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर आज डाइलेक्ट्रिक। तो आमर फॉर्मूला सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी बट के रो वैल्यू वन हो गले एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो फॉर्मूला है ठीक अच्छे। एक मार्क एक मार्क तुम जो सात सात चौदह रहा चौदहटा क्वेश्चन तुम्हें केते आंसर तुम्हें लिखि नहीं पार। राइट एंड द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी लॉज गुड़ा है ना लिख दि मार्किया क्वेश्चन। व्हाट इज जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड जोटा पियन जंक्शन है ड्र द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग
तुम सर्किट डायग्राम बनाई दो पी सहित पॉजिटिव एन सहित नेगेटिव लगेदेले से फॉरवर्ड बायसिंग हो राइट डाउन द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स रो चारटा प्रॉपर्टी ये तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ी चलती है ना। शॉर्ट रेंज फोर्स जमीक है चार्ज इंडिपेंडेंट ऑलवेज अट्रैक्टिव है ना यहपरिया पॉइंट किसी लिख दो स्पिन डिपेंडेंट ये तो चार्टा पॉइंट हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन पारामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक ये तो सब पड़ू पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मुझे कह भी थी है ना। स्टेट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम लॉज गुड़ा लिखापी कहुई। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई टू लाइन्स ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर ये तो सब इंपोर्टेंट समस्त लिखी थी भी है ना। तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो रही प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज भितर ये गोटे प्रॉपर्टी। स्टेट एक्सप्लेन ओम्स लॉ समस्ते कर फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर है ना। तो केते ही जीवो ये हला दुई दुई तुम रही केमती पारालाल रही डायरेक्ट आड करदेव दुई दुई चार हो गला वन बै फोर प्लस वन करदेव है ना। वन बै फोर प्लस वन करदे के चार पाँच फोर बै तापरे फाइव बै फोर होती उल्टे दे फोर बै फाइव हम है ना। ये आंसर फोर बै फाइव आस। द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द मिनिमम एंगल ऑफ द डेविएशन ऑफ द इज 30 डिग्री फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ो म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बै टू बै साइन ए बै टू तो ए रैल्यू डेल एम रैल्यू दिखाई है आंसर बाहर कर। फाइंड वार्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रे डेफिनेशन दुटा लिखापी कही वार्क फंक्शन कौन और स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन। वार्क फंक्शन है जितकी एनर्जी देले तुम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वार्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पोटेन्ला जो पोटेंशियल तुम करंट फ्लो स्टॉप हो जाए सी है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट तापर पढ़े आसे दि मार्किया पर तीन मार्किया मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी राइट डाउन द रिलेशन डेफिनेशन दुटा लिख गोटे फर्मुला फर्मुलाटा कौन बाइंडिंग एनर्जी बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर हाँ। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कौन है गोटे लाइन में लिखार अच्छे। नेक्स्ट तापर फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स है डायरेक्ट फर्मुला एल रो फर्मुला लिखिदेव से एनटा एन टर्न पे एन लिखदब है ना। एक्सप्रेशन व्हाट इज ब्रेस्टर्स लॉ। ब्रेस्टर्स एंगल कहला एत थर कही वेव ऑप्टिक्स रे हाँ ब्रेस्टर्स एंगल तो है ना। ब्रेस्टर्स एंगल व्हाट इज ब्रेस्टर्स लॉ है ना। ब्रेस्टर्स लॉ तुम खाली लिखिदेव ब्रेस्टर्स एंगल कौन बास जिनस को तीन मार। व्हाई द स्काई यूजुअली ब्लू जान स्कैटरिंग इट इज अपीयर्स रेड एंड रेड आट सनरइज एंड सनसेट बिकज से स्कैटरिंग ही तुम सनरइज सनसेट टाइम रेड देखा जाए है बागिक लिखवार अच्छे कि सन्ध्या बेले अगर कलर लाइट आसेनि ओनली रेड कलर वेवलेंथ अधिक से पहुँची जाए बस लिखिद। नेक्स्ट तरह डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन बाहर कर तीन मिनट क्या। फाइंड द वेवलेंथ फॉर द रेडिएशन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इक्वल टू थ्री टू एन इक्वल टू टू माने एन टू टा थ्री पकेब एन वन टा टू पकेब है पकईक आंसर बाहर करदेव हाँ। वेवलेंथ कही हाँ वन बै लामडा आग बाहर वन बै लामडा इक्वल टू वन आर इंटु वन बै एन वन स्क्वायर माइनस वन बै एन टू स्क्वायर करदेव सब वैल्यू पुट करदेव आंसर बाहर। राइट द सर्किट सिंबल एंड ट्रू टेबल नॉर गेट। सर्किट सिंबल नॉर गेट पे सिंबल बनेबो आउ हला तारो ट्रुथ टेबल केते इनपुट पे कहनी तुम टू इनपुट पे करदेव है। एक्सप्लेन व्हाट इज वेब पार्टिकल डुआलिटी है ना। वेब पार्टिकल डुआलिटी जो तुम चैप्टर रोच डुआल नेचर ऑफ डुआल नेचर जो चैप्टर रोच सेटा को एक्सप्लेन करने कहुई है ना। एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटा लिखापी कहुई मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस एथर कौन कौन कनक्लूजन मिलता है लिखवार अच्छे। एक्सप्लेन व्हाट इज जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कौन ताक लिखवार अच्छे है ना। केतटा सैटेलाइट रे तुमको गोटे पॉइंट मिले है ना तो आ गए तुम केतटा सैटेलाइट रे तुमको हाइट भी मापे ये सब जिनस विषय लिखवार अच्छे। तापर पांच नंबर लंग क्वेश्चन पड़ेगा एंड ए सी एम एफ इक्वल टू इनर साइन ओवे अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर ओनली
expression for the current in the circuit explain the phase relationship between E and I, so it graphically. Geta bodhiya question ha. AC circuit with pure inductor joda lekhai chi pura exact seta ko lekhi dabo kaam sar chibo hala. Next establish relation between ha e bhai mirror formula bahar kariya pai koi chi ette sahaja question. हाँ नेक्स्ट आप डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर टायर हाँ डिस्कवर एक्शन वोल्टेज रेगुलेटर है ना केमती से करछी हेटा को देखबो. डिस्क्राइब कैरेक्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एस्टैब्लिश आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सो हाउ इट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक. बस ठीक अच्छे है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्टेट किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन. जा हो सब भल क्वेश्चन पड़ी आराम करदी भिड भल लगला तेरे लास्ट को गोटे लाइक करनी आउ सांग सहित तुम आंसर सेयार भी करनी जो मैंने जानना आंसर ताक भी जनाओ या सहित चैनल को सब्सक्राइब करनी या पर तुम बहुत बढ़िया बढ़िया भिड मुझे सब एंट्रान्स भिड आस ठीक अच्छे. ओके ठीक अच्छे थैंक यू.